नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में, और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। सिटी 60 का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। 12 के अंत से ये बड़ी खबर है। नेशनल हाईवे 27 पर बड़ा हादसा हो गया। लोक परिवहन की बस गड्ढे में कूदी और 2 दर्जन सवारियां इसमें घायल हो गई है। घायलों को 12 अस्पताल पहुंचाया गया। थानाधिकारी दिग्विजय सिंह ने अस्पताल पहुंचाया है और ड्राइवर खल्लासी जो है वो घटना के बाद से फरार बताए जा रहे हैं। वही घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, बाला के अंता से नेशनल हाईवे 27 पर बड़ा हादसा हो गया। लोक परिवहन की बस गड्ढे में उतर गए और ये गड्ढा देखिए, इसकी गहराई कितनी ज्यादा है, और ऐसे में 2 दर्जन से ज्यादा जो सवारियां इस बस में सवार थी वो घायल हो गई हैं। मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन जो ड्राइवर और खलासी हैं वो मौके से फरार हो गए। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्हीं लोगों की मदद से जो लोग घायल हुए थे उन्हें तुरंत 12 के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोक परिवहन की बस जो कि एक गड्ढे में गिर गई, और अब हालांकि इसमें लापरवाही किसकी है इसको लेकर जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है, और इसके साथ ही पूरे मामले को लेकर भी हमारे सहयोगी चंद्र प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। चंद्र प्रकाश, ये बड़ा हादसा घटित हुआ है और कितने लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, क्या जानकारी मिल रही है? ये लोक परिवहन बस का मामला है। ये कोटा से 12 की तरफ जा रही थी कि देलाडी नेशनल हाईवे 27 पर देलाडी तट के पास में अनियंत्रित होकर के और ये एक गड्ढे में चली गई। गनीमत ये रही कि वहां पर एक टीला था, इसकी वजह से बस 20 फीट नीचे जो ड्रेन थी उसमें जाने से रुक गई, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और इसमें करीबन 2 दर्जन यात्री घायल हुए हैं, जिनको अंता और 12 की एम्बुलेंसों द्वारा 12 पहुंचाया गया है। जी बिल्कुल चंद्र प्रकाश, क्या मौके पर किसी की लापरवाही का पता अब तक चल पाया है, खलासी या फिर ड्राइवर कोई भी पकड़ में अगर आया हो? जी, इसमें ड्राइवर और खलासी दोनों घटना के बाद में फरार हो गए हैं, लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये स्पीड में चलाते हैं और ओवरटेक करते हैं सवारों को लेने के चक्कर में, हो सकता है ये हादसा इसी का भी परिणाम रहा हो। ठीक है चंद्र प्रकाश, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।